भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में हमेशा मुठभेड़ जारी ही रहती है, या यूं कह लें कि उनके फैंस के बीच मुठभेड़ जारी ही रहती है। जब खेसारी लाल यादव के वीडियोस के व्यूज कम आते हैं तो पवन सिंह के फैंस हैं जो खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाना शुरू करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब पवन सिंह के व्यूज कम आते हैं तो खेसारी लाल यादव के फैंस ये कहते हैं कि पवन सिंह ने गूगल को पैसे देकर अपने व्यूज बढ़ाए हैं, अदरवाइज इस लॉकडाउन में किसके इतने व्यूज आते हैं। खैर चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एक बात और अब तूल पकड़ती जा रही है जी, ये कि अब पवन सिंह के फैंस ये कह रहे हैं बाप बाप होता है और उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो कुछ फैंस ये कहते हैं कि घुटनों पर लाकर रख दिया पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को, और ये सारा कुछ माजरा तो आप समझ ही रहे होंगे कि पवन सिंह के इस नए गाने की वजह से हो रहा है, जो कि उनका गाना मधु शर्मा के साथ आया है, कोई बात नहीं वो बेवफा है। इस गाने को भाई बम्पर ओपनिंग मिली है और इस गाने का प्रमोशन भी पवन सिंह ने किया है। और आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ ऑडियो रिलीज हुआ है खेसारी लाल यादव का मौ की पबजी खेले, इसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन गाने ने 10 घंटे में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है। वैसे ऑडियोज़ को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन वीडियोज़ को हमेशा व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इस गाने का जब वीडियो आएगा तब इसका जवाब हम अच्छी तरह से दे पाएंगे कि कौन जीता और कौन हारा इस जंग में। लेकिन इस वक्त तो पवन सिंह का पलड़ा, या यूं कह लें कि पवन सिंह के फैंस का पलड़ा भारी है खेसारी लाल यादव से। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।